डे टू ऑफ अंडमान निकोबार, ये होटल हमारा बड़ा नया था, एमी ग्रेस। आई लव द वे द बोट्स वर गोइंग अप। कॉट द फेरी, फेरी टर्मिनल पे फोटो खींचना अलाउड नहीं है। इस फेरी में मैंने एक अच्छी सी नींद ली और अब हम पहुंच गए हैं हैवलॉक आइलैंड। ये व्यू हमारी कॉटेज से है। तो देखिए जनाब, हम बेयरफुट स्कूबा रिसोर्ट पे रहे और ये स्कूबा डाइवर्स का रिसोर्ट है। सो द कॉटेज इज राइट ऑन द सी, इट वॉज अ डुप्ले कॉटेज। तो मैं एक ने नीचे का हथिया लिया और हमें ऊपर का बेडरूम मिला, जो हमें रात भर बाथरूम के लिए ऊपर नीचे करना पड़ा। मनीष सोच रहे हैं कि अंदर जाऊं कि बाहर जाऊं, एंड ही टुक द बाहर वे। सी देख के ऐसा लग रहा था कि उफ क्या करें, और इतना नीला पानी, इतना साफ पानी। एक क्विक लंच और उसके बाद हम निकल पड़े। ये देखिए, ये जो पीछे हट्स नज़र आ रही हैं, ये स्कूबा डाइवर्स के लिए हैं। एक रास्ते में बीच नज़र आया और हम रुक गए। हमारे कैब ड्राइवर को जब हमने बोला कि हमें बीच जाना है, तो उसने कहा जी सुबह काला पत्थर, रात को राधानगर। ये शायद लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमें एक आइसोलेटेड बीच जाना है, जो हम अपने आप ढूंढ लेते हैं। आइडियल टाइम, द गोल्डन आवर, वी आर लविंग द वेव्स। मैंने वीडियो लंबी रखी है ताकि यू कैन हियर द वेव्स एंड फील द ब्रीज। गो पापा गो, ऊपर जाओ। और अब टाइम है डाब का। तो अच्छी तरह से जब फोटोग्राफी हो गई, उसके बाद मुझे मलाई मिली, एंड वी लव द वे इट हैज़ बीन सर्व्ड। इसके बाद हम पहुंचे राधानगर, द फेमस राधानगर बीच। ये जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये राधानगर का बड़ा स्पेसिफिक ट्री टाइप है। बीच की फोटो नहीं मिलेगी क्योंकि वहां हम नहीं गए, हम खाने पीने में ही लगे रहे। ये थी फ्रूट चा, और ये देखिए जनाब, कुछ कचौड़ी सी रखी थी और खाए बिना तो हम मानेंगे नहीं। तो पता लगा कि यह है छोला भटूरा, विद नीदर छोला नॉर भटूरा। और मैंने तो इसे, मेरे कुछ दोस्त जानेंगे, खजला जिसे हम रमजान में खाते। वापस आए तो दोनों स्कूटी पे ही चले गए, और जब स्कूटी लेने गए तो पता लगा कि जनाब पुचका भी खा के आए। लगता है ना कि खाने पीने का ही टूर चल रहा है। अब खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो इन आर रिसोर्ट वी सैट डाउन एंड वी हैड अ स्पेसिफिक गेस्ट विद अस। अमेजिंग खाना, अमेजिंग प्लेस। सो कल हम जा रहे हैं एलिफेंट बीच, और वहां आपसे मिलेंगे।